Here I'm going to discuss a play named The Tempest written by William Shakespeare. यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट्स इस प्ले से रिलेटेड जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है. और देखिए कि जो टेम्पेस्ट है, टेम्पेस्ट का मीनिंग ही क्या होता है. टेम्पेस्ट मीन्स अ वायलेंट स्टॉर्म, तूफान. तो जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो टेम्पेस्ट आया है, तूफान आया है, और आया नहीं है, क्रिएट किया गया है. जो इस प्ले का हीरो है ना, और तो उसने क्या किया है, एक टेम्पेस्ट को क्रिएट किया है. और क्रिएट क्यों किया है, बिकॉज ही वॉन्ट टू टेक रिवेंज, पर रिवेंज इन अ माइल्ड वे, है ना, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि वो उसका बदला लेना चाहता है, वो एंगर गुस्से में है, तो उसने ये क्रिएट किया है. और देखते हैं, बड़े ही अच्छा प्ले है ये, कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की, और एक रोमांटिक कॉमेडी मानी जाती है, और इसको हम स्वान सॉन्ग भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ लास्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर. तो इसलिए लास्ट प्ले, जो लास्ट क्रिएशन होता है, उसे स्वान सॉन्ग भी कहा जाता है, तो हम इसे स्वान सॉन्ग भी कह सकते हैं. कंपोज्ड होता है 1611 में, कंपोज होता है, इसका कंपोजिशन है कब, 1611 में. सोर्स क्या रहे हैं, वैसे तो माना जाता है कि ये जो प्ले है वो जो रियल इंसिडेंट होता है शिपरेक का, जो बरमूडा का जो शिपरेक है, बरमूडा ट्राइंगल का जो शिपरेक हुआ है 1610 में, तो उसी घटना से ये प्रेरित है, वहाँ से उसको दिखाने का यहाँ पे कोशिश किया है. जबकि सोर्स और इसके और भी हैं कि सिल्वेस्टर जॉर्डन्स पैम्फलेट, स्ट्रेचीज अकाउंट, द स्टोरी ऑफ ओरलियो एंड इजाबेला, द स्टोरी ऑफ ओरलियो एंड इजाबेला. तो ये कुछ सोर्स रहे हैं जहाँ से इन्होंने इस टेम्पेस्ट को, इसका थीम वगैरह लिए हैं. सेंटर थीम क्या है, इसकी सेंटर थीम है फॉरगिवनेस एंड रिकंसीलिएशन. देखिए फॉरगिवनेस क्या, कर देना, क्षमा कर देना, रिकंसीलिएशन कर देना, है ना, इसका भी मतलब क्या होता है कि फिर से कंसीलेट कर लेना, मेल मिलाप हो जाना, है ना, तो रिकंसीलिएशन, तो फिर से ये क्षमा कर देते हैं, रिकंसीलिएशन, सारे लोग मिल जाते हैं. तो ये इस प्ले की थीम है, क्योंकि जब तूफान आया है तो सारे लोग इधर उधर हो जाते हैं, पर एट द एंड जब इसकी कॉमेडी होती है ये प्ले, और तो सारे लोग क्या होते हैं, मिल जाते हैं. तो रिकंसीलिएशन और फॉरगिवनेस की, प्रोस्पेरो जो इसका हीरो है, है ना, प्रोटेगोनिस्ट है, तो वो क्या करता है, वो सबको माफ़ कर देता है, और चाहे उसके ख़िलाफ़ साजिश की गई है उसको भी माफ़ कर देता है. तो करेक्टर्स इसमें कितने हैं, देखिए इसमें याद रखने की बात है कि इसमें मेल करेक्टर 13 हैं, मेन मेल करेक्टर इसमें 13 हैं, और एक मेल करेक्टर, फीमेल करेक्टर है इसमें, जो कि कौन है, एक फीमेल करेक्टर है जो कि हीरोइन होती है इस प्ले की. और क्या है, और कुछ सुपर नेचुरल करेक्टर हैं, और कुछ और भी कुछ और करेक्टर भी यहाँ पर हैं, पर वो इम्पोर्टेंट इतने हैं नहीं. चलिए, मेरे खुद के ये नोट्स हैं, पूरा देखिए इस लेक्चर को, और अपने नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ. आपको कैसा लग रहा है, और क्या आपके लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं, तो आप अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें. और सबसे पहले हम करेक्टर देखेंगे प्रोस्पेरो. तो इम्पॉर्टेंट करेक्टर हमारा प्रोस्पेरो है सबसे पहले. तो क्या होता है, ये ड्यूक ऑफ मिलान एंड फादर ऑफ मिरेंडा. तो प्रोस्पेरो कौन है, ड्यूक है, मिलान का किंग है, राजा है, मिलान इस नाम को याद रखिए, और फादर है. फादर किसका है, मिरेंडा का है, जो कि हीरोइन है इस प्ले की, है ना, और हीरो होते हैं उनके फादर, हीरोइन होती है बेटी, हीरो होते हैं फादर, तो आप याद रखिए इस बात को. और जो प्रोस्पेरो का भाई है, हिज ब्रदर एंटोनियो, तो एंटोनियो क्या कर लेता है, उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेता है, उसकी प्रॉपर्टी को यूजर्प कर लेता है, छीन लेता है उसकी प्रॉपर्टी को, एंड क्या करता है, ही वॉज एग्जाइल्ड, और प्रोस्पेरो वॉज एग्जाइल्ड, और इसको एग्जाइल्ड कर दिया जाता है विद हिज डॉटर. और एट द टाइम when he was exiled his daughter year how old he had his year his daughter so his daughter only 3 years old 3 year old थी तीन साल ये क्या थी तीन साल की थी जब इसको निकाल दिया था. He finds refuge on an island. तो एक barren island पर ये क्या करता है, शरण ले लेता है, कौन, Prospero.
आगे बढ़ते हैं तो हमें दूसरा करेक्टर देखने को मिलता है, और वो दूसरा करेक्टर हमारा मिरिंडा है। और मिरिंडा की हम बात करें तो ये हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं कि डॉटर है, ये प्रोस्पेरो की डॉटर है। सी हैज़ बीन आइसोलेटेड विद हर फादर, और उसको भी क्या कर दिया है, एकांत दे दिया है, आइसोलेट कर दिया है उसके फादर के साथ। इवन व्हेन सी वॉज 3 ईयर ओल्ड, जब वो 3 साल की थी, 3 ईयर ओल्ड है ना। नेक्स्ट है एंटोनियो। तो एंटोनियो क्या है, ये भी हम इसे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो ये यंगर ब्रदर है प्रोस्पेरो का, तो प्रोस्पेरो का छोटा भाई। अब देखिए, छोटा भाई है मगर फिर भी इसने बड़े भाई को निकाल दिया। छोटा भाई ने बड़े भाई को अपने राज्य से, मतलब उसका राज्य छीन लिया और उसको निकाल दिया। अच्छा, क्या कारण है ऐसा? तो कहीं ना कहीं प्रोस्पेरो क्या था, अपने जादू के चक्कर में, मतलब जो मैजिक है, मैजिक को लर्न सीखना चाहता था, उसकी नॉलेज ये ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाहता था। तो क्या होता था कि ये उसको मैं ही लगा रहता था, राजकाज में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तो ये भी एक कारण है कि धीरे धीरे इसने अपना दबदबा बना लिया। तो यंग ब्रदर टू प्रोस्पेरो आफ्टर द बैनिशमेंट ऑफ प्रोस्पेरो द ड्यूक ऑफ मिलान। तो जब प्रोस्पेरो का बैनिशमेंट हो जाता है, वो निकल दिया जाता है, तो फिर ड्यूक ऑफ मिलान कौन बन जाता है, ड्यूक ऑफ मिलान एंटोनियो बन जाता है। एंटोनियो कन्विंसेस सेबेस्टियन। अब ये एक और करेक्टर सेबेस्टियन यहाँ पर आया है। देखिए, जो स्टोरी है इसमें दो प्लॉट यहाँ पे दिखाई गए हैं, दो कहानियाँ यहाँ पे चल रही हैं। एक तो कहानी जो है वो प्रोस्पेरो और एंटोनियो की है, ये दोनों भाई भाई हैं। और दूसरा एक और भाई है क्या, सेबेस्टियन है और एलेंसो है, सेबेस्टियन है और एलेंसो है। तो ये एक और कहानी है। तो ये यहाँ पर दो प्लॉट दिखाए गए हैं। हमारे एरिस्टोटल कहते हैं कि भाई सिंगल प्लॉट होना चाहिए, मगर शेक्सपियर इसी बात को नकार देते हैं और अपनी कहानियों को वो उसमें बहुत सारे प्लॉट रख देते हैं। 3-3, 4-4 प्लॉट भी उन्होंने रखे हैं, साथ साथ में सारी कहानियां चलती रहती हैं, है ना। तो एंटोनियो कन्विंसेस सेबेस्टियन टू मर्डर हिज ब्रदर, और सेबेस्टियन के भाई का नाम क्या है, एलेंसो द किंग ऑफ नेपल। और जो एलेंसो कौन है, किंग ऑफ नेपल्स है। तो देखो, प्रोस्पेरो बड़ा भाई, छोटा भाई ने इसको निकाल दिया, सेबेस्टियन जो है छोटा भाई है और ये एलेंसो बड़ा भाई है। तो यहाँ पे इस तरह की ये कहानी है। और जो बड़ा भाई है, किंग है कहाँ का, नेपल्स का, और ये कहता है कि भाई जो छोटा भाई है उसका क्या कर दो, मर्डर कर दो। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, अब एलेंसो की बात करें तो किंग ऑफ नेपल्स है ना, नेपल्स का राजा है ये। एलेंसो बिलीव्स दैट हिज सन हैज़ डाइड। अब यहाँ पे क्योंकि क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, प्रोस्पेरो ने एक टेम्पेस्ट को, है ना, टेम्पेस्ट को क्या किया है, टेम्पेस्ट को क्रिएट किया है। तो अब सारे लोग क्या हो गए, अलग अलग हो गए हैं, अलग थलग हो गए हैं, है ना। तो ये क्या एलेंसो सोचता है कि उसका जो सन है, क्या नाम है उसका, फर्डिनेंड है, वो क्या हो गया, वो मर गया है। ही ओवरजॉयड व्हेन ही सीज हिज सन बैक। मगर एंड में क्या होता है, क्योंकि ये ट्रेजेडी हो जाती है ना, तो बाद में जब अपने बेटे को ये देखता है तो फिर वो क्या हो जाता है, ओवरजॉयड, खुशी से भर जाता है। रिपेंटेंट फॉर द पेन कॉज प्रोस्पेरो इन पास्ट। मगर हाँ, एक और बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट कि एलेंसो ने भी साजिश की थी उसको निकलवाने में, मगर ये रिपेंटेंट कर लेता है, ये पश्चाताप करता है उस दर्द का, उस दुख का, जो कि इसने दिया था किसको, प्रोस्पेरो को दिया था बीते दिनों में, पास्ट के टाइम में। नेक्स्ट हम सेबेस्टियन की बात करें तो ये एलेंसो जो है इसका भाई है, और प्लान टू मदर हिज ओन ब्रदर एलेंसो। और ये सेबेस्टियन करता क्या है, सेबेस्टियन अपने ही भाई का मर्डर करने का प्लान करता है। आगे बढ़ते हैं तो हमें फर्डिनेंड देखने के लिए मिलता है, और फर्डिनेंड कौन है, फर्डिनेंड एलेंसो जो है किंग्स ऑफ नेपल्स जो है उसका कौन है, उसका बेटा है। किंग्स ऑफ नेपल का बेटा कौन है, किंग्स ऑफ नेपल का बेटा कौन है, फर्डिनेंड है। ही इज़ सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर्स पार्टी एंड लॉस्ट इन स्टॉर्म। और वो क्या हो जाता है, उसको सेपरेट अलग कर दिया जाता है उसके फादर की पार्टी से, है ना। फादर की, वो तो सारे सब लोग एक ही जहाज में चल रहे थे, मगर जब शिपरेक हुआ, जो टेम्पेस्ट आया, तो सब अलग अलग हो गए, और वो तूफान में क्या हो जाता है, तूफान में वो
खो जाता है। मगर फिर एक और बात यहाँ पर होती है, इसके खोने से कुछ अच्छा हुआ कि ही फॉल्स इन लव विद मिरेंडा, और उसने मिरेंडा को पा लिया, जो कि हीरोइन होती है, बड़ी ही सुंदर होती है, खूबसूरत है, और प्रोस्पेरो की ये डॉटर है। नेक्स्ट करेक्टर की हम बात करें तो आता है कैलिवन। तो कैलिवन कौन है, यहाँ पर हम डिस्कस भी कर रहे थे कुछ सुपर नेचुरल स्प्रिट्स का, है ना, सुपर नेचुरल करेक्टर्स का। तो वही द ऑफ स्प्रिंग, ये सन है, ऑफ स्प्रिंग है, बच्चा है, किसका, विच साइकोरेक्स का, जो साइकोरेक्स चुड़ैल है उसका ऑफ स्प्रिंग है कैलिवन, और प्रोस्पेरो हैज़ मेड हिम हिज स्लेव, और प्रोस्पेरो ने उस कैलिवन को अपना स्लेव, दास बना रखा है। ही प्लॉट्स टू किल प्रोस्पेरो, पर वो यहाँ पे षड्यंत्र रचता है कि वो प्रोस्पेरो को मारेगा। क्यों मारेगा, क्यों ऐसा करना चाहता है, एक तो यही बात है कि इसने प्रोस्पेरो ने उसको स्लेव बना के रखा है, उसको बहुत सारा काम करवाता है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, है ना, तो इसीलिए प्रोस्पेरो चाहता है कि मैं इस, वो कैलिवन चाहता है कि मैं इस प्रोस्पेरो का ही काम तमाम कर दूँ। नेक्स्ट है एरियल। एरियल की बात करें तो ये भी एक स्प्रिट है, और स्प्रिट ऑफ द एयर, एयर की स्प्रिट है, तो इसका नाम एरियल है। नेक्स्ट एक ही बड़ा भला मानुस आता है यहाँ पे, अच्छा करेक्टर है, और ये करेक्टर कौन है, ये करेक्टर है गोंजेलो, गोंजेलो, है ना, GONZALO गोंजेलो, और ये कौन है, एल्डरली काउंसलर है, ये एक काउंसलर है, सलाहकार है, है ना, और किसका, किंग का होता है। पहले तो किंग कौन था, किंग पहले कौन था, प्रोस्पेरो था, तो उसका काउंसलर था, और फिर बाद में ये एंटोनियो बन जाता है, उसका छोटा भाई, है ना, तो फिर उसका सलाहकार ये होता है। ही सेव्स प्रोस्पेरो एंड हिज डॉटर, एक अच्छा काम ये करता है कि ये ना प्रोस्पेरो को, जब जो एंटोनियो है प्रोस्पेरो का छोटा भाई, जब उसे यूजर्प करता है, बैनिशमेंट उसे करता है, निकालता है अपने राज्य से, है ना, उसी के राज्य से, तो फिर प्रोस्पेरो के को सेव करने के लिए कुछ वाटर है ना, कुछ ज़रूरी जो थिंग्स हैं वो उसके लिए रख देता है, तो जिससे कि वो जीवित रह सकें। तो ये क्या है, गोंजेलो, एन एल्डरली काउंसलर, और ही सेव्स प्रोस्पेरो एंड हिज डॉटर। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे स्टीफेनो। तो स्टीफेनो क्या है, स्टीफेनो एक ड्रंकर बटलर है, ड्रंकन बटलर है, बटलर, तो बटलर क्या, जो भंडारी खानसामा होते हैं बटलर, वो बटलर है, और अराइव्स एट द आइलैंड, और वो भी उस आइलैंड पे पहुंच जाता है, एंड इन्वॉल्व्स इन द प्लॉट टू मर्डर प्रोस्पेरो, और प्रोस्पेरो का ये भी मर्डर करने का स्टीफेनो सोचता है। देखिए स्टीफेनो का, वो प्रोस्पेरो का हर कोई मर्डर करने का ही सोचता है बेचारा प्रोस्पेरो का, तो स्टीफेनो भी उसका मर्डर करने के लिए सोचता है, पर ये क्यों सोचता है इसका कोई मतलब नहीं है ऐसे खास, है ना। तो ये कैलिवन इसलिए, क्योंकि उसने उसको क्या कहते हैं बना के रखा है स्लेव, और उससे बहुत सारा काम करवाता है, इसलिए ये, ठीक है। और जबकि एंटोनियो तो भाई इसलिए उसको भगाया, उसने निकाला कि जो उससे राज मिल जाए। अब एलन्जो ऐसा सेबेस्टियन का, मतलब जो एलन्जो है सेबेस्टियन का भाई, तो वो उसका मर्डर करने के सोचता है, जिससे कि जिस तरह से प्रोस्पेरो के साथ हुआ वही उसी तरह से किसके साथ हो जाए, उसी तरह से हो जाए एलन्जो के साथ हो जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रिंकुलो। ट्रिंकुलो किंग्स जेस्टर, किंग का जेस्टर है ये। स्टीफेनो अराइव्स विद वाइन, और स्टीफेनो इसके पास आता है वाइन लेकर, भाई खूब सारी इसको पिलाता है। ट्रिंकुलो जॉइंस हिम इन ड्रिंकिंग एंड एग्री टू मर्डर प्रोस्पेरो। अब इसका भी कोई ऐसा काम नहीं है, स्टीफेनो ट्रिंकुलो पीते हैं खूब और इसको मारने का फिर प्लान करते हैं, तो ये बात इनकी है। नेक्स्ट हमारे करेक्टर हैं फ्रांसिस्को एंड आर्डियन। ये क्या हैं, सामंत हैं, लॉर्ड ऑफ किंग्स, किंग्स के सामंत हैं, और कुछ और करेक्टर हमें देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे। तो आयरिस है, सीरस है, जूनो है, निम्स है, रीपर्स है, स्प्रिट्स हैं, ऑल आर इस, ये जो क्या हैं, ये सारी की सारी स्प्रिट्स हैं, ये सुपर नेचुरल करेक्टर हैं। एक और है बोट्समैन। बोट्समैन क्या है, जो सिप ऑफिसर है, ये सिप है ना, सिप ऑफिसर्स हैं ये, और ये क्या होते हैं, इंचार्ज ऑफ द डेक क्रू। तो वो जो डेक है, सिप है, उस जो क्रू है उसका क्या है, ये इंचार्ज है। और यहाँ पे एक और चीज़ कि लास्ट में हमें एक एपिलॉग भी देखने के लिए मिलता है, प्रोस्पेरो एक एपिलॉग यहाँ पे एंड करता है एपिलॉग के साथ इस प्ले को। नाउ वी आर गोइंग टू सी हेयर
इम्पॉर्टेंट कोट कोटेशंस हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कोट यहाँ पे आता है जो कि मिरांडा कहती है, और मिरांडा किसको कहती है, मिरांडा प्रोस्पेरो अपने फादर को इसको बताती है, कहती है कि गुड वॉर्म्स है बॉर्न बैड सन। जब वो अपने अंकल एंटोनियो को देखती है कि एंटोनियो ने उसके फादर के साथ इतना बुरा किया है, सो सी डो नॉट वॉन्ट टू से दैट कि उसकी ग्रैंड मदर जो हैं कि उनका किसी के साथ इस तरह का अफेयर वगैरह हुआ होगा, कि मतलब इस तरह का सन उसके हो गया, तो ये अननेचुरल है कि कोई अच्छी भली मानस स्त्री है ना। तो वो कहते हैं कि गुड वॉर्म, कि जो अच्छे वॉर्म्स हैं गर्भ हैं उनसे भी बुरी संतानें बुरे बेटे पैदा हो जाते हैं। तो ये कहना है किसका, मिरांडा का। हाँ अक्सर हमें देखने को भी ये मिलता है कि एक भाई अच्छा होता है तो एक भाई बड़ा ही बुरा होता है, अक्सर हमें देखने के लिए ये मिल जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम क्या कहते हैं मिरांडा डू नॉट वॉन्ट टू से, वही मैं ही कहना चाहती हूँ कि किसी को भी हम करेक्टर पर किसी की उंगली नहीं उठा सकते, और क्योंकि वो तो मिरांडा की ग्रैंड मदर हैं, सो हाउ मिरांडा कैन से लाइक दिस। तो सी बट सी वॉन्ट टू से दैट, तो फिर ऐसा हो सकता है कि अच्छी जो वॉर्म है उससे भी दो मतलब बुरे बेटे पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट है यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन इट इज, तुमने मुझे लैंग्वेज सिखाई बोलना सिखाया और इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ इज आई नो हाउ टू कर्स, कि मैं अब जान गया कि श्राप कैसे देते हैं, है ना, बुरा कैसे बोलते हैं, है ना, और किसी को मर्डर करने की साजिश कैसे करते हैं। तो ये कैलिबन कहता है किसको, प्रोस्पेरो को। कैलिबन उसका स्लेव है प्रोस्पेरो का, है ना, साइकोरेक्स का ये ऑफस्प्रिंग है, बच्चा है, और यहाँ पे इसको इसके मारने का मतलब प्लॉट करता है, वो साजिश करता है, और तो कहता है कि भाई तुमने तो मुझे लैंग्वेज बोलना सिखाया, अब मैं तो मुझे अब पता चल गया कि किस तरह से कर्स करते हैं। नेक्स्ट है देयर इज़ नथिंग इल कैन ड्वेल इन सच अ टेम्पल, और ये वाली बात कौन कहता है, ये वाली बात मिरांडा कहती है फर्डिनेंड को देखकर। क्या कहती है, देयर इज़ नथिंग इल, कोई भी इल नहीं हो सकता, बुराई नहीं हो सकता, देयर इज़ नथिंग इल कैन ड्वेल, कोई भी बुराई नहीं रह सकती, ड्वेल नहीं कर सकती, अपना घर नहीं बना सकती, कहाँ पर घर नहीं बना सकती, इन सच अ टेम्पल, इस मतलब इस तरह की आपकी जो क्या कहते हैं रचना है, बनावट है, जो जिस तरह से आप दिख रहे हैं, तो वो फर्डिनेंड को देखकर कहती है कि भाई कोई बुराई उसमें नहीं रह सकती, इस तरह के टेंपल में कोई बुराई नहीं रह सकती। तो ये यहाँ पे फर्डिनेंड की प्रेज करने के लिए मिरांडा ने ये वर्ड्स कहे हैं। नेक्स्ट है कि मिजरी एक्वेंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज बैड फॉलोज, जो मिजरी है दुख है एक्वेंट कराती है, एक्वेंटेंस पहचान कराना है ना, एक्वेंट्स यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, कि मिजरी जो है दुख है एक्वेंट्स कराती है ए अ मैन एक इंसान का, किससे, विद स्ट्रेंज बैड फेलोज, जो अजनबी जो बुरे फेलोज है ना उनका, उनसे पर जो मिजरी है वो परिचय कराने का काम करती है, ठीक है, कोई कौन तुम्हारे साथ है कौन तुम्हारे साथ नहीं है, तो जो दुख है ना वही हमें इस बात का परिचय कराते हैं, बिकॉज फेयर बेदर फ्रेंड तो हर कोई होता है, फेयर बेदर फ्रेंड तो हर कोई होता है, पर जिस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं किसको, गोंजालो को, तो किस तरह से अपना फ़र्ज ये अदा करता है निभाता है ना। तो ये मिजरी क्या करती है, एक्वेंट्स परिचय कराती है एक इंसान का, जो कौन कौन बुरा है बुरे लोगों से, है ना। तो रहीम दास ने भी ये कहा है कि रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, और रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोए, है ना। तो वही बात यहाँ पर भी है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि फुल फैदम फाइव, है ना, और ये आप इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच है, आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। मैं कंटिन्यू करती हूँ कि फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड दोज आर पल्स डैट वर हिज आईज, कि फुल फैदम फाइव पूरे के पूरे पांच फैदम नीचे तुम्हारे जो फादर हैं वो हैं लाई हैं लिटे हुए हैं,
ऑफ हिज बोन आर कोरल, और उनकी जो बोन है वो क्या बन गई है, कोरल बन गई है। मेड दोज आर पर्ल्स, जिनसे पर्ल्स बन रहे हैं, डैट वर हिज आईज, जो उनकी आईज हैं पर्ल्स की जैसे दिख रही हैं। तो है ना ये वाली बात, ये है ना एक सॉन्ग गा रहा है, और सॉन्ग ये एरियल है, एरियल ऐसा सॉन्ग गा रहा है फर्डिनेंड को देखकर, फर्डिनेंड को देखकर। तो वो बस यही कह रहा है कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं, तुम्हारे फादर नीचे समुद्र की तलहटी में मतलब लेटे हुए हैं। ठीक है, अब फैदम भी क्या है भाई, फैदम के बारे में भी आप बताओ मुझे कि फैदम क्या है। नेक्स्ट हमारा है कोटेशन कि आई एम योर वाइफ इफ़ यू मैरी मी, इफ़ नॉट आई विल डाई योर मेड। और ये बात मेरिंडा कहती है फर्डिनेंड से। देखिए मेरिंडा और फर्डिनेंड, यहाँ इन दोनों का ट्रू लव इस स्टोरी में, इनका जो है ट्रू लव इस स्टोरी में दिखाया गया है। और वो मेरिंडा कहती है कि इफ़ आई वॉन्ट टू बी योर वाइफ, मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ यदि तुम मुझसे शादी करना चाहो, यदि नहीं करना चाहो तो फिर मैं तो तुम्हारे लिए जीऊँगी मरूँगी और मैं तुम्हारी मेड बनूँगी फिर। तो फर्डिनेंड भी बड़ा खुश हो जाता है भाई, फर्डिनेंड तो खुद ही चाहता है। ठीक है, आगे है कि आई हैव सफर्ड विद दोज डैट आई शो सफर। और मिरेंडा कहती है प्रोस्पेरो से, प्रोस्पेरो ने क्या किया है, टेम्पेस्ट क्रिएट किया है, झूठा टेम्पेस्ट। और उस टेम्पेस्ट की वजह से मिरेंडा वो उसे देख रही है, और देख रही है तो सब लोग इधर उधर भाई मर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इस जो चाउस हो रहा है, ये कोलाहल हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, उसको दुख हो रहा है ना बेचारी, इसने पहली बार तो इंसानों को ही देखा है ना। तो आई हैव सफर्ड कि मैं खुद दुखी हो रही हूँ विद दोज दैट आई शो सफर, उन लोगों को देखकर जो सफ़र कर रहे हैं, तो इस बात से मैं खुद ही दुखी हो रही हूँ। तो ये मिरिंडा कहती है हेल इज़ एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हेयर। और ये एरियल कह रहा है किससे, प्रोस्पेरो से कह रहा है कि भाई जो हेल है ना, हेल नरक है ना, और हेवन स्वर्ग। तो जो नरक है वो क्या हो गया है, एम्प्टी हो गया है, खाली हो गया है। क्यों, क्योंकि सारे राक्षस जो है ना वो यहाँ आ गए हैं धरती पर, इसलिए। नेक्स्ट है, और ये कितना सही है भाई, आज भी हमें ऐसा लगता है कि नरक में आज कोई भी नहीं होगा, शायद धरती पर सारे डेविल्स आ गए हैं। मी पुअर मैन माई लिबर्टी वॉज ड्यूकडम लार्ज एनफ। और ये प्रोस्पेरो कह रहा है किसे, मिरिंडा से कह रहा है कि मैं कौन हूँ कि पुअर मैन, बेचारा गरीब व्यक्ति, और मेरी जो लिबर्टी है, मेरी स्वतंत्रता है, जो वॉज ड्यूकडम, मेरा जो साम्राज्य है लार्ज है ना, बस मेरे लिए मतलब अब वो कहाँ है, वो आइलैंड में है। वो कह रहा है अब मेरी जो स्वतंत्रता है, मेरा जो ड्यूकडम है वो काफ़ी है, लार्ज एनफ, काफ़ी बड़ा है। तो वो कह रहा है कि मेरी जो, मैं पुअर हूँ, मेरी लिबर्टी, मेरी स्वतंत्रता वॉज माई ड्यूकडम, कि मेरा साम्राज्य था और वही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये कोट है, इसे ध्यान रखें, लिखा है कि वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन। वी आर सच स्टफ, हम इस तरह के स्टफ हैं भाई, बने हुए हैं जैसे ड्रीम्स होते हैं ना उस तरह से। एंड आर लाइफ इज़ राउंडेड, और हमारी जो लाइफ है राउंडेड, गोल गोल घूमती रहती है, बेद असलीप, जैसे कि सपनों में वो स्लीप, सोने में सपने आते हैं ना, है ना, स्लीप में सपने होते हैं ड्रीम्स, और आंखें खुलती है तो फिर कुछ भी नहीं, तो बस गोल गोल घूमते हैं सपने भी, कौन से उसमें तर्क वितर्क होते हैं और कौन से को रिलेट होते हैं एक से दूसरे, है ना, कुछ भी, सब कुछ राउंड राउंड होता है। तो उसी तरह से हमारी लाइफ है, देर इज़ नो मीन ऑफ आर लाइफ, नथिंग इज़ हेयर, और बस कुछ नहीं है। लिखा है द रेयर एक्शन इज इन वर्चू देन इन वेंजियंस। तो वेंजियंस क्या होता है, वेंजियंस होता है बदला लेना। वो कहता है कि प्रोस्पेरो कहता है कि जो रेयर एक्शन है वो क्या है, गुण है भाई, ऐसा मतलब गुण सबके पास नहीं होता ना, गुण जो है वो सबके पास नहीं होता, और जबकि बदला लेना तो सबके पास है, बदला तो हर कोई लेना चाहता है, पर जो रेयर एक्शन है वो वर्चू है, वो गुण है ना, किसी का भला करना है, बदला लेना नहीं। द रेयर एक्शन इज इन वर्चू देन इन वेंजिलेंस, की रेयर एक्शन जो है कि जो रेयर कार्य है, दुर्लभ कार्य है, वो वर्चू में छुपा हुआ है, वेंजिलेंस में नहीं छुपा हुआ।
वंडर हाउ मैनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर. ओ आश्चर्य है कितने अच्छे अच्छे क्रिएचर यहाँ पर हैं. हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, है ना. तो हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, अरे भाई कितने खूबसूरत यहाँ पे मानव यहाँ दिखाई दे रहे हैं. हाउ ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, अरे बहादुर नया संसार. और ये कौन कहता है, ये मिरिंडा कहती है. और देखिए इसको बड़ा इंपॉर्टेंट आप मार्क कीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ. इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड करके किसी ने कुछ लिखा है, क्या लिखा है, किसने लिखा है, ये बताना है. तो इसको मैं आपको पॉज करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको. देखिए ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, है ना. और ये जल्दी ही मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी ये कंटिन्यू करूँगी. देखो क्या क्वेश्चन है कि वेयर फ्रॉम डिड एल्डस हक्सले बोरो द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड. तो कहाँ से एल्डस हक्सले ने ये टाइटल बोरो किया है, लिया है ब्रेव न्यू वर्ल्ड. तो ये टेम्पेस्ट से लिया है. और देखो ये इनकी क्या है, एक डाइस्टोपियन नॉवेल है, है ना. डाइस्टोपियन और यूटोपियन नॉवेल आपने नाम सुना होगा ज़रूर. और इसके ऑथर हैं ये, है ना. और ये मिरिंडा का स्पीच है विलियम शेक्सपियर का टेम्पेस्ट. और देखिए वो कहती है ओ वंडर हाउ मैनी गुडली क्रिएचर आर देयर, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट सच हैज प्यूपल इन इट, है ना. तो ये आप ध्यान रखिए और कंटिन्यू करते हैं अब हम अपना टेम्पेस्ट ही. कुछ और पॉइंट्स यहाँ हम देख रहे हैं क्वेश्चन से रिलेटेड. तो कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे होने की संभावना हो सकती है कि ओपनिंग सीन जो है प्ले का, तो ओपनिंग सीन में क्या होता है, तो जो नोबल्स हैं आर सीन रनिंग अराउंड इन चाउस की कोलाहल है वहाँ टेम्पेस्ट क्रिएट किया जा रहा है. तो यहाँ वहाँ क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं. द सिप इज़ कमिंग फ्रॉम ट्यूनिस. तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो सिप है वो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो ये ट्यूनिस से आ रहा है. नेक्स्ट द किंग ऑफ नेपल्स हेल्प एंटोनियो टू रेज एन आर्मी अगेंस्ट प्रॉस्पेरो. तो किसने मतलब हेल्प की एंटोनियो की कि प्रॉस्पेरो के अगेंस्ट आर्मी रेज करने की, तो ये किसने की है, तो जो फर्डिनेंड का फादर है, किंग्स ऑफ नेपल है, और उसने हेल्प किया है एंटोनियो को. और क्या नाम है फिर, क्या कहते हैं किंग ऑफ नेपल्स का क्या नाम है, तो इसका नाम है एलनसो, है ना. इसका नाम याद रखना है एलनसो. तो एलनसो, तो इसमें अलोन है ना, बेचारा अलोन रह गया है ना, ऐसे याद रख लो अलोन, क्योंकि वो क्या कहते हैं उस टापू पे, उस आइलैंड पे ये फिर अकेला रह जाता है, ये अकेला हो जाता है, इसका बेटा अकेला हो जाता है, ये एलनसो है ना, इसीलिए इसका नाम एलनसो है. एरियल वॉज कन्फाइंड इनसाइड अ ट्री ट्रंक बिफोर प्रॉस्पेरो सेट हिम फ्री. तो एरियल जो है ये एक स्प्रिट है, पर इसको कहाँ पे पहले पनाह मिली हुई थी, एक ट्री के ट्रंक में, पर बाद में प्रॉस्पेरो उसे क्या करता है, फ्री कर देता है. साइकोरेक्स की यहाँ पे बात करें तो ये कौन है भाई साइकोरेक्स, तो ये कैलिबन की मदर है और ये एक विच है, ये क्वेश्चन इस तरह से. और प्रॉस्पेरो समन्स कैलिबन, कैलिबन कर्सेस हिम. प्रॉस्पेरो, जब प्रॉस्पेरो उसको क्या करता है, समन करता है, बुलाता है, तो वो उसे क्या करता है, कर्स करता है, श्राप देता है. सेबेस्टियन एंड एंटोनियो की बात करें तो डू नॉट स्लीप, कौन कौन नहीं सोया हुआ था, है ना. जब ये तो क्या कर रहे थे, ये दोनों कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे कि किस तरह से हम उसको मार देते हैं, किसको, एलेंसो को मार देते हैं. तो सेबेस्टियन और एंटोनियो डू नॉट स्लीप, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा प्लॉटिंग कर रहे हैं, कॉन्स्पायर कर रहे हैं मर्डर करने का, है ना. पर एरियल एंटर्स एंड प्लेइंग म्यूजिक, ठीक है. और पर एरियल आता है और फिर वो म्यूज़िक प्ले करता है, तो फिर गोंजेलो जग जाता है, जाग जाता है, तो फिर वो उनको भी जगा देता है, ऐसा होता है. नेक्स्ट है कि सेबेस्टियन एंड एंटोनियो प्लॉट टू किल एलेंजो वाइल अदर्स स्लीप. जब सब सो रहे होते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं, ये एलेंजो को मारने का प्लान करते हैं. एरियल स्टॉप्स एलेंजोज मर्डर बिकॉज एट द राइट मोमेंट गोंजेलो अवेक्स, क्योंकि एरियल इसको रोक देता है, इसको गोंजेलो को वो जगा देता है राइट मूवमेंट पर. व्हेन ट्रिंकुलो सीज कैलिबन लाइंग अंडर अ क्लॉक ऑन द ग्राउंड ही जॉइंस हिम.
और जब ट्रंकिलो देखता है कि जो कैलिबन है, एक कैलिबन बड़ा सा क्लॉक लवादा पहनकर ग्राउंड पर सो रहा है, तो वो क्या करता है, ट्रंकिलो भी उसके क्लॉक में आके सो जाता है। कैलिबन ऑल्सो जॉइन ट्रंकिलो एंड स्टीफेनो एंड गेट्स ड्रंकड। कैलिबन, स्टीफेनो और ट्रंकिलो तीनों ही मिलते हैं, पीते हैं खूब और प्रस्परो को मारने का ये प्लान बनाते हैं। फर्डिनेंड इज सीन कैरिंग वुड इन द प्ले, और फर्डिनेंड दिखाया जाता है कि वो वुड लकड़ियाँ लेकर आ रहा है इस प्ले में, और क्यों लेकर आ रहा है, प्रोस्पेरो ने उसको ये काम दिया है और आप इसको मान लीजिए कि इसका पनिशमेंट है। व्हेन फर्डिनेंड सेज दैट ही लव्स मिरिंडा, मिरिंडा प्रपोजेज हिम मैरिज, है ना, तो जब फर्डिनेंड कहता है कि वो उससे प्रेम करती है, तो मिरिंडा भी यहाँ पर प्रपोज करती है उसको, किसके लिए, मैरी करने के लिए। कैलिबन सेज टू स्टीफेनो एंड ट्रंकिलो डैट दे शुड टेक प्रोस्पेरोज बुक इन ऑर्डर टू लॉस हिज मैजिकल पावर। तो यहाँ पे कैलिबन भी जानता है, स्टेफेनो भी जानता है और ट्रंकिलो भी जानता है कि ये एक मैजिशियन है, मैजिक करता है, अपनी बुक्स इसके पास हैं, यही इसकी शक्ति है। तो ये तीनों सोचते हैं इसको तो मर्डर करते हैं, इसकी बुक्स को हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो ये वाली बात जो है ये तीनों ही करते हैं। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट है एक्ट थ्री सीन थ्री में एरियल अपीयर्स एज अ हार्पी, है ना, तो हार्पी की तरह एरियल अपीयर होता है। हार्पी मतलब विच यहाँ पर है। और एरियल टेल्स द मैन डैट द सिप रैक एंड लॉस ऑफ फर्डिनेंड आर द पनिशमेंट फॉर एंडेंजरिंग प्रोस्पेरो एंड मिरिंडा। अब यहाँ पे एरियल बताता है कि भाई तुमने फर्डिनेंड खो गया, तुम लोगों का सिप रैक हुआ, है ना, तो ये सब क्या है, ये एक पनिशमेंट है जो कि किसने दिया है, प्रोस्पेरो ने दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि तुमने प्रोस्पेरो और उसकी बेटी को खतरे में डाला था, इसीलिए दिया है। वैन एरियल मेक्स द वो वेंक्यो डिसअपियर, और जब एरियल क्या कर देता है, उस दावत को डिसअपियर कर देती है, तो सारे मैन अपनी अपनी स्वॉर्ड्स क्या करते हैं, रेज कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। देन द मैन कैन नॉट अटैक एरियल बिकॉज देयर स्वॉर्ड्स बिकम हैवी, पर वो जो मैन है वो एरियल पर अटैक नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि उनकी जो स्वॉर्ड है वो बहुत भारी हो जाती है इस वजह से। एलेंजो ट्राई टू ड्राउन himself because he thinks that his son died. Alonso बेचारा पिता है, बड़ा दुखी हो जाता है, अपने आप को सोचता है कि मैं डूब कर ही मर जाऊँ। क्यों, क्योंकि उसका बेटा भी मर गया है इस वजह से। तो when a mask is performed for Ferdinand एंड मिरिंडा, अब यहाँ पे जब लास्ट सीन है ये, जब एक यहाँ पे मास्क परफॉर्म होता है और वो भी दोनों की शादी हो रही है उस खुशी में, द स्प्रिट्स ट्रांसफॉर्म इंटू आयरिस सेरिस एंड जूनो। यहाँ पे ये जो स्पिरिट्स हैं, सुपर नेचुरल स्पिरिट्स, ये लोग यहाँ पर भेस बदल कर आती हैं, ट्रांसफॉर्म होकर आती हैं। प्रोस्पेरो रिमेंबर कैलिवन्स प्लॉट एंड ही एंड द मास्क, और प्रोस्पेरो को याद आ जाता है कैलिवन की कॉन्स्पिरेसी, और वो इसको क्या कर देता है, मास्क को एंड कर देता है, ख़त्म कर देता है। प्रोस्पेरो प्रोमिसेस एरियल डैट ही विल रिलीज हिम। अब यहाँ पे हाँ, कि एरियल भी इसका भाई क्या है, स्लेव है एक, मगर इसको रिलीज़ करने का ये प्रॉमिस करता है, वो सारे काम करता है जो भी प्रोस्पेरो कहता है एरियल, तो एरियल को फिर लास्ट में इसको फ्री कर दे दिया जाता है। इन द एंड ऑफ द प्ले प्रोस्पेरो फॉरगिव हिज एनिमी, और एंड में क्योंकि फॉरगिवनेस है ना, तो वो सबको क्या कर देता है, माफ़ कर देता है। द प्ले हैज़ एन एपिलॉग, और प्ले में एक एपिलॉग होता है, द एपिलॉग इज स्पोकन बाई प्रोस्पेरो के द्वारा कहा जाता है, और यहाँ पर जो ऑडियंस है उसको यहाँ एड्रेस किया जाता है। एलेंजो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑन द सिप द किंग ऑफ नेपल्स, और वहाँ उस सिप पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पर्सन है वो एलेंजो है, और वो कौन है, किंग ऑफ नेपल्स है। द टेम्पेस्ट फॉलोज द थ्री यूनिटीज, हाँ एक और बात है यहाँ पर, ये इनका जो पहला प्ले है जो तीनों यूनिटीज़ को फॉलो करता है, 3 घंटे का ये प्ले होता है, द यूनिटी ऑफ एक्शन प्लेस और टाइम, एक ही प्लेस पर है, एक ही एक्शन, मतलब यहाँ पे एक्शन है और टाइम है, इन तीनों को
ये फॉलो करता है, तो ये भी याद रखना है। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को करते हैं एंड। आपको कैसा लगा ये आप बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और नेक्स्ट कोई इनका ही प्ले डिस्कस करूँगी समरी इसी तरह से। तो आप मुझे बताइए कैसा लगा आपको, और अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।